गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं आता स्मैकडाउन का एपिसोड है। इस एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला था, तो क्या हुआ आज के एपिसोड में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस शो की स्टार्टिंग होती है रोमन रेंस और पॉल हेमन की तरफ से, और यहाँ पर पॉल हेमन अपनी पूरी बैक स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो साथ में है, उसके रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बने, उसके वो बताते हैं कि कैसे लास्ट वीक जे उसे स्टेप अप करके बन चुके हैं नंबर वन कंटेंडर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। उसके अब वो उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं और गाइस जे उसे यहाँ पर आकर थैंक्स करते हैं पॉल हेमन का कि उनकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि थैंक यू, मुझे मत अपने भाई रोमन रेंस को बोलो क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है और तुम्हारी फैमिली को भी तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। जिसके बाद वो कहते हैं कि बेशक तुम मेरे नंबर वन कंटेंडर बन चुके हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए और हमारा मैच होने वाला है एट क्लैश ऑफ चैंपियंस, लेकिन मैं तुम्हें उसी तरह पेलूंगा जिस तरह से बचपन में पेलता था। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर शेमस और कॉर्बिन आते हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ पर नेपोटिज्म का माल चल रहा है, रोमन रेंस के भाई थे जे उस, इसलिए उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है जे उस उन्हें चैलेंज कर देते हैं टैग टीम मैच के लिए, जिसके वो उन सब पर अटैक भी कर देते हैं और रोमन रेंस यहाँ पर खड़े रहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गाइस हम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जेफ हार्डी वर्सेस एजी स्टाइल्स के बीच मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन गाइस मैच से पहले यहाँ पर सैमी ज़ेन आकर चिल्लाने लगते हैं कि मैं हूँ चैंपियन, जिसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से वाले से लिया जाया जाता है। उसका मैच स्टार्ट होता है और गाइस ये अच्छा खासा मैच था। मैच की एंडिंग की बात करें तो हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन मैच में चूल कर देते हैं और मैच को कर दिया जाता है डिस्क्वालीफाई, जिसके अब वो एजी स्टाइल्स और जेफ हार्डी पर अटैक करते हैं। उसके बाद बैक स्टेज हमें जेफ हार्डी और सैमी ज़ेन के बीच थोड़ी सी ब्रॉल भी देखने को मिलती है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं सिज़ारो एंड शिंस्के नाकामुरा वर्सेस लूचा और स्पार्टी के बीच मैच देखने को मिलता है और गाइस ये मैच ज़्यादा कुछ टाइम पर था नहीं। रिजल्ट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि टाइटन ट्रॉन स्क्रीन पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपीयर होते हैं, जिसका फ़ायदा लूचा और स्पार्टी उठाती है और डिस्ट्रैक्शन की मदद से वो इस मैच को जीत लेती है। और गाइस ये सब इसलिए क्योंकि हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला, रॉ टैग टीम चैंपियंस वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस एट रॉ, तो उसी के बिल्डअप के लिए हमें ये देखने को मिलता है। बाद गाइस हमें बेली का प्रोमो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया था, और यहाँ पर बेली बात करती है कि कैसे उन्होंने साशा बैंक्स पर इसलिए अटैक किया क्योंकि साशा उनका यूज़ कर रही थी और उनकी वजह से साशा बनी है टू बेल्ट। जिसके वो कहते हैं कि मुझे ये सब इसलिए पता चला क्योंकि मैं भी साशा बैंक्स का यूज़ कर रही थी, और जिसके वो कहते हैं कि लास्ट वीक के बाद मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही थी इसलिए मैंने उस पर अटैक कर दिया। और गाइस उसके बाद हमें निकी क्रॉस देखने को मिलती है जो कि मैच के लिए आ रही हैं, लेकिन तभी उन पर बेली अटैक कर देती हैं। उसके बाद गाइस हमें फैटल फोर में निकी क्रॉस वर्सेस एलेक्सा ब्लिस वर्सेस तमीना वर्सेस लेसी इवेंट्स के बीच मैच देखने को मिलता है, और गाइस जो भी इस मैच को जीतने वाला था वो फेस करता है बेली को एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। और गाइस इस मैच की बात करें मेन हाईलाइट की तो हमें देखने को मिलता है कि एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर सिस्टर एबिगेल से अटैक करती हैं निकी क्रॉस के ऊपर। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर मूव था, जिसके अब एलेक्सा ब्लिस जो तो इस मैच से गायब हो जाती हैं और गाइस इस मैच को जीत लेती हैं निकी क्रॉस, और अब एक बार फिर से वो फेस करेंगी बेली को एट क्लैश ऑफ चैंपियंस। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है ओटिस वर्सेस मॉरिसन का मैच, और गाइस इस मैच को ओटिस जीत लेते हैं और मॉरिसन का एक बार फिर से कल्याण हो जाता है, और पता नहीं WWE मॉरिसन के साथ क्या कर रही है। लेकिन गाइस यहां पर हमें देखने को मिलता है कि मिस उनका लंच बॉक्स लेकर भाग जाते हैं और सोचते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हमें पता चलता है कि फिर से उनका कचरा हो चुका है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है ओटिस के पास। उसके बाद गाइस हमें फायरफ्लाई फन हाउस देखने को मिलता है जहाँ पर ब्रे वायट रिवील करते हैं अपना न्यू कैरेक्टर, और गाइस पहले तो वो काफ़ी मजाक मस्ती करते हैं, उसके अब न्यू कैरेक्टर आता है और गाइस ये कैरेक्टर होता है पॉल हेमन के जैसा, जिसका नाम होता है वॉबली वॉलरस, और गाइस इसके दांत काफ़ी अजीब से थे, और ओवरऑल गाइस फायरफ्लाई फन हाउस का सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। उसके बाद गाइस हमें रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस किंग कॉर्बिन एंड शेमस के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन गाइस यहाँ पर आप WWE का दिमाग देखिए, जे उसो ही खाली मैच की स्टार्टिंग करते हैं और रोमन इस मैच में आते नहीं, फिर भी मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जब एंडिंग में जे उसो के पास कंट्रोल आ जाता है और वो अपना फिनिशर मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी रोमन रेंस आते हैं मलाई खाने के लिए, और गाइस यहाँ पर वो अटैक करके स्पीयर मारकर शेमस को इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत लेते हैं। उसके बाद हमें लग रहा था कि यहाँ पर कोई ब्रॉल वगैरह होगी इन दोनों सुपरस्टार के बीच, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। जिसके बाद एंटर स्टेज के ऊपर जाते हैं और रोमन रेंस अपना हैंड रेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जे उसो भी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और इस तरीके से एक दूसरे को ये देखते हैं और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइस ओवरऑल स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करें तो काफ़ी अच्छा एपिसोड था, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया देखकर, एंड गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक की बना तो कहीं मैं जाना और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए आपके क्या थॉट्स है स्मैकडाउन के एपिसोड को लेकर, और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर सिर्फ WWE से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।